तो फिर डोरेमोन के ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे ये पता चला, मतलब कि doraworld.com से, कि इस मूवी को जितने भी लोग फर्स्ट डे में देखने आएंगे उन लोग को एक एक करके सबको, मतलब कि सबको डोरेमोन की मांगा बांटी जाएगी, मतलब कि उस मूवी के ऊपर जो डोरेमोन की जो मांगा बनाई गई है वो सबको मिलेगी। यार इस तरह के लोग इंडिया में लोग क्यों नहीं रिलीज़ करते यार। छे, और अगर आप लोग डोरेमोन के बड़े वाले फ़ैन हो, अरे बड़े वाले फ़ैन कैसे हो अगर आप लोग को ये वाला चीज़ पता नहीं है कि डोरेमोन का ऑफिशियल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, आई मीन एक्स है, तो फिर आप लोग को कैसा लगेगा? जी हाँ, एकदम ऑफिशियल है, कोई फैन पेज वगैरह नहीं है सच्ची में। तो फिर डोरेमोन का जो वेबसाइट है वो, उसका तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी नाम बता दिया, doraworld.com, पर इसमें जाके आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसका सारा कंटेंट जैपनीज में है। जी हाँ, अब इसका भी क्या किया जाए, छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, आप लोग गूगल ट्रांसलेट के वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे आप लोग को अलग से एक वेबसाइट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप लोग इस जो वेबसाइट है उसका लिंक आप लोग वहाँ पे पेस्ट कर दो, और फिर वो और फिर गूगल ट्रांसलेट उसको जापनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, या फिर कोई भी लैंग्वेज में वो डिटेक्टेड लैंग्वेज, मतलब कि जापनीज से वो कोई भी लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, सब में वो ट्रांसलेट कर देगा। जी हाँ, और फिर बात आई इंस्टाग्राम की, तो फिर डोरेमोन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज का नाम है डोरा चैन। हाँ, चैन मतलब सिंचैन वाला चैन नहीं, चैनल का शॉर्ट फॉर्म चैन। हाँ ठीक है, तो फिर डोरा चैन ये डोरेमोन का ऑफिशियल, एकदम ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, और वहाँ पे भी आप लोग को कंटेंट जापनीज में देखने को मिलेगा, पर आप लोग को तो पता ही होगा कि इंस्टाग्राम में ट्रांसलेट करने का भी ऑप्शन है, तो फिर उससे आप लोग उसके पोस्ट को मतलब समझ सकते हो। और अभी अगर हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के और फेसबुक अगर और एक्स का भी बात करें, तो फिर उन सब के अकाउंट्स के नाम भी सेम है, और वो सब अकाउंट्स आप लोग को डोरेमोन के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं आप लोग एक चीज़ बता दूँ, डोरेमोन की वो सब एपिसोड जो कि मतलब कल रिलीज़ होने वाली है या फिर सैटरडे संडे को रिलीज़ होने वाली है, इंडिया में नहीं, जापान में, वो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी डोरेमोन की ऑफिशियल वेबसाइट में, और वहाँ पे तो एक अलग से सेक्शन भी है जिसमें कि आप लोग डोरेमोन के एपिसोड्स देख सकते हो, पर अगर आप लोग जापान में हो तो, क्योंकि वो इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि जब भी आप लोग उसमें क्लिक करोगे और कोई भी एपिसोड में अगर आप लोग क्लिक करोगे वॉच करने के लिए, तो फिर उसमें दिखाएगा दिस कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। अरे यार, तो फिर अभी क्या हम लोग को जापान में जाना पड़ेगा देखने के लिए? छे, और जहाँ बात है डोरेमोन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की, तो फिर उसका नाम है डोरेमोन द मूवी। अब आप लोग इस वीडियो को छोड़ के अभी तुरंत अभी सर्च बार में अभी टाइम मत करने लग जाना डोरेमोन द मूवी चैनल, वरना रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। और अभी अगर आप लोग डोरेमोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तब भी आप लोग को रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग वेबसाइट में जाके वहाँ पे जो यूट्यूब आइकन है उसमें क्लिक कीजिए, तो फिर ऑटोमेटिकली आप लोग डोरेमोन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में रिडायरेक्ट हो जाओगे।